नमस्कार, आपस की बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं इकबाल रिज़वी। इकबाल रिज़वी पेशे से तो पत्रकार हैं और आजकल इंदिरा गांधी कला केंद्र में काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो कला, संस्कृति और साहित्य में बसती है, खास तौर से फिल्मों में। और उन्होंने फिल्मों के बारे में दो किताबें लिखी हैं। एक तो है पोस्टर बोलते हैं, और उसमें पोस्टर का इतिहास है, और दूसरी है कि महात्मा गांधी और सिने संसार। ये दोनों ही किताबें हर उस आदमी के लिए जरूरी हैं जो कि सिने संसार से मतलब रखता है या उसके बारे में कुछ जानना चाहता है। इसके अलावा इकबाल रिज़वी ने एक और किताब लिखी है जो वाणी प्रकाशन से आने वाली है, ये है मुशायरे का इतिहास। आजकल इकबाल रिज़वी एक बहुत ही अनोखा प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रयोग यह है कि 50, 60 और 70, 80 के दशक में निकलने वाली जो भारतीय पत्रिकाएं थी उनको सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं निशुल्क। तो इसके बारे में मैं उनसे बात करूंगा, साथ ही और तमाम चीजों के बारे में बात होगी इकबाल रिज़वी साहब से। इकबाल रिज़वी साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल यह है कि ये जो पहल आपने की कि पुरानी पत्रिकाओं को सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, इसकी क्या प्रेरणा है? शुक्रिया केशव कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जो जहां तक प्रेरणा का सवाल है, देखिए ऐसा है कि मैं जिस पीढ़ी से हूं वो पीढ़ी पली बढ़ी है पत्रिकाओं के ही बीच में, इन्हीं पत्रिकाओं के जिनका जिक्र आपने करा। बचपन से जो बचपन की पत्रिकाएं हुआ करती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, इंद्रजाल कॉमिक्स, वो पढ़ते रहे। बड़े हुए तो फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और ये पत्रिकाएं देखते रहे, और इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक पत्रिकाएं हुआ करती थी। तो वो हमारे समय का दरअसल वो जो समाज था, उस समाज ने अपनी पीढ़ी को ये संस्कार दिए, क्योंकि तब जानकारी और ज्ञान दोनों का वो जो सबसे सुलभ साधन हुआ करता था वो यही पत्रिकाएं हुआ करती थी। और उसके बाद जब पत्रकारिता में प्रवेश किया तो मैंने ध्यान भी दिया कि जो मेरे सीनियर्स थे वो संभाल के पत्रिकाएं या जो उनके संबंधित लेख हुआ करते थे वो लोग निकाल कर रख लेते थे, और मुझे ये सुझाव भी दिया गया कि आपके लेख की वैल्यू तब बढ़ती है या आपके लिखे हुए की वैल्यू तब बढ़ती है कि जब उसके अंदर रेफरेंसेस हों, पुराने रेफरेंसेस हों। उस जमाने में गूगल नहीं हुआ करता था, तो सवाल ये था कि हम रेफरेंसेस के लिए या तो जब भी कुछ लिखना हो तो हम कोई एक ऐसी लाइब्रेरी ढूंढें जिस लाइब्रेरी में संबंधित पत्रिकाएं हों, और वो जरूरी नहीं था कि ऐसी लाइब्रेरियां हों, किसी लाइब्रेरियों में कुछ पत्रिकाएं होती थी, किसी में कुछ पत्रिकाएं होती थी। तो वहां से मैंने जो मेरे पास पत्रिकाएं तब तक थोड़ी बहुत थी उनको मैंने रोका, और यानी संग्रह उसका शुरू करा। इससे पहले पुस्तकों का ही सिर्फ संग्रह था मेरे पास, पत्रिकाओं का नहीं था। तो पत्रिकाएं मैंने इकट्ठा करने शुरू करी। थोड़ा सा स्थान की कमी थी, फिर इधर से उधर होना, उसके अंदर बहुत सी पत्रिकाएं जो थी वो मुझे निकालनी पड़ी, कुछ ये दीमक वगैरह का वो रहा। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रही कि अगर मैं पूरी पत्रिका न रख सकूं तो पत्रिका के कुछ लेख जो आगे संभवतः मेरे लेखन के अंदर मदद कर दें वो लेख मैं रखता रहा। और दिल्ली में आने के बाद मैंने गौर करा कि इन पत्रिकाओं की अहमियत और ज्यादा है, क्योंकि छोटे शहरों में, मैं बरेली में जब था तो कुछ लाइब्रेरी ऐसी उपलब्ध हुआ करती थी कि जहां जाते थे और जरूरत की चीज मिल जाती थी। एक तो यहाँ लाइब्रेरीज की उस तरह से कमी थी, और जो बहुत बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी हैं उसमें एक तो वहां प्रवेश, फिर वहां पहुंचना, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका घर कहाँ है, वहां से वहां तक पहुंचना, और फिर संबंधित सामग्री आपको मिल जाए। पता चला कि वो संबंधित बाबूजी जो हैं, जो जो वो
फोटोस्टेट करके देते हैं, वो एक हफ्ते की छुट्टी पे, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते थे। छोटे शहरों में आप हाथ पैर जोड़ के अपने संबंधों के आधार के ऊपर कुछ करवा सकते थे। तो यहाँ शिद्दत से और मुझे एहसास हुआ कि भाई जिन विषयों पर आप लिखना चाह रहे हैं लिख रहे हैं, उन विषयों से संबंधित पत्रिकाओं में कहीं भी कुछ अगर मिलता है तो उसको आप अपने पास रख लीजिए, ताकि वक्त जरूरत रात बरात वो आपके काम आ जाए। तो लेकिन एक दुर्भाग्य ये हुआ कि 90 के दशक में के मध्य में जब मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, तब तक पत्रिकाओं का बंद होना शुरू हो चुका था। बहुत सी पत्रिकाएं बंद भी हो चुकी थी। जब बंद होने लगी ये पत्रिकाएं, तब एक एक विचार ये आया कि भाई अब ये तो पत्रिकाएं मिल भी नहीं पाएंगी। और जब मैंने और शिद्दत के साथ इन पत्रिकाओं को अपने पास रखना शुरू करा, उसी के बाद गूगल का उदय हुआ। और चूंकि हम पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो गूगल की वहां अहमियत ज्यादा बताई गई, गूगल की वहां अहमियत ज्यादा समझाई गई, और मैंने देखा भी। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे लगा कि गूगल के ऊपर जो भी है, दरअसल एक तो उसकी अथेंटिसिटी को लेकर बड़ी दिक्कत थी, ये मेरे ही साथ नहीं और भी मेरे जो साथी थे उनके साथ भी था, कि ये कंटेंट कहाँ से डाला गया है, संदर्भ इसके कहाँ से हैं, ये नहीं पता होता था। और अभी भी बहुत सा ऐसा मटेरियल है उसके अंदर जिसके बारे में आप, जिसकी निष्पक्षता या जिसकी सच्चाई के बारे में आप दावा नहीं कर सकते हैं, जबकि पत्रिकाओं में ऐसा हुआ करता था कि हम बहुत कुछ भरोसा कर सकते थे। वो नाम लिखा करते थे उसके अंदर, जिन नामों की एक वैल्यू हुआ करती थी समाज में, एक स्थान उन नामों का हुआ करता था जो लोग उसमें लिखा करते थे। तो फिर ये एहसास रहा कि भैया जो कुछ पत्रिकाएं बच गई हैं यही बचा के रख लीजिए, और जब जरूरत पड़े तो आप और भी पत्रिकाएं कहीं से लीजिए और उसको फोटोस्टेट कराइए या स्कैन करिए या समथिंग, जो भी इस तरह से आप कुछ करें। तो ये जो पत्रिकाओं के एक संग्रह की शुरुआत कह लें या शुरुआती दौर कह लें, तो वो उसके पीछे ये सारी एक कहानी थी। इनसे दो सवाल निकल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनका अलग अलग एक एक करके जवाब दें। सवाल में एक साथी आपसे पूछ लेता हूं, वो ये कि अब जैसे घर छोटे होते जा रहे हैं और घर छोटे होने के साथ साथ उनमें सामान रखने की, जैसे स्टोरेज अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, कि वो स्टोरेज की भी कैपेसिटी घरों के अंदर कम होती जा रही है, क्योंकि बड़े टाण नहीं हैं, दो छतियां नहीं हैं और अलमारियां कम हैं। ऐसे में जो इतनी धरोहर संजोई गई है और आप जैसे तमाम लोग हैं, उनके सामने बड़ा एक मसला खड़ा हो जाता है कि इसको बचा के कैसे रखा जाए, क्योंकि उसी में कपड़े भी रखने हैं और ये भी रखना है और परिवार की तमाम और जरूरतें भी पूरी होनी है। तो ये जो चुनौती आपके सामने आई पिछले 25 साल में, आपने इससे कैसे जो है आप जूझे, और उसकी अगर दो तीन चीजें जनता को पता लग सके जो इसको बचाना चाहते हैं धरोहर को। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है। ये इस सवाल से हर वो इंसान जूझ रहा है जो सिर्फ यानी पत्रिकाएं ही नहीं, और भी पुरानी चीजें यानी पेंटिंग्स जैसे हैं और पुस्तकें हैं, कुछ दस्तावेज हैं पुराने, उनको जो संरक्षित रखना चाहता है, वो इस सवाल से जूझ रहा है। तो इस सवाल का एक तो जवाब ये है कि अब तकनीक ने बहुत सी जहां दिक्कतें खड़ी करी हैं, वहां बहुत से फायदे भी पहुंचाए हैं। तो दस्तावेज को स्कैन करना अब ज्यादा आसान, सस्ता और सुलभ हो गया है। शर्त इसके लिए ये है कि आपकी मंशा उसको सहेज कर रखने की, जो आपके पास दस्तावेज हैं, पत्रिकाएं हैं, मंशा क्या है या मंशा है या नहीं है। तो मैं भी इससे जूझता रहा और तब मुझे ये समझ में आया कि हम अगर इन चीजों को स्कैन करना शुरू करें, स्कैन करके अपने पास रखना शुरू करें, तो उसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि आप सहज ही उसको साझा कर सकते हैं, बहुत आसानी से,
जिसको भी जरूरत है उससे आप उसको साझा कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत कम स्पेस, कंप्यूटर का बहुत कम स्पेस चाहिए उन चीजों को रखने के लिए। और अगर बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है, आपने बहुत ज्यादा चीजों को स्कैन कर लिया है, तब भी उसके तरीके हैं, आप उसको डीवीडी में रख सकते हैं, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, उसके अंदर इन चीजों को रख सकते हैं। तो इस तरह से एक ये अच्छा ये एक लिमिटेशन ये है कि A4 साइज यानी टाइप पेपर जिस साइज का होता है, उस साइज का जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि एक ठीक ठाक सा स्कैनर जो है वो 5 से लेके 12-13 हजार रुपए के बीच में आ जाता है, और उससे आप फिर स्कैन कर सकते हैं, जितना चाहें स्कैन कर सकते हैं, जब तक कि वो ठीक चल रहा है, खराब नहीं हो रहा है। तो वो स्कैनर बहरहाल मैंने हासिल करा, खराब हुआ, फिर दूसरा लिया, और मैंने ये देखा कि बहुत कुछ सामान जो है मैं उसके ऊपर स्कैन करके और सहेज कर रख सकता हूँ। एक तो जब मुझे उसकी जरूरत संदर्भ की पड़ती है तो एक क्लिक के ऊपर वो फोल्डर या वो डीवीडी जिसमें रखा है वो खुल जाती है और उसके अंदर से सामान मुझे मिल जाता है। और या मुझे मेरे किसी परिचित को या किसी जरूरतमंद को अगर संबंधित चीजों की जरूरत होती है तो मैं बहुत आसानी से उसको उस तक ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो एक तो तरीका ये था कि जो तरीका मैंने अपनाया, लेकिन दूसरा ये है कि अखबार, यानी अखबार बड़े साइज के होते हैं और इसी तरह तो कुछ A3 साइज की मैगजीन भी थी, जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली वगैरह, ये बड़े साइज की मैगजीन थी जो A4 साइज के स्कैनर के अंदर स्कैन नहीं होती हैं। इसके लिए बड़ा स्कैनर चाहिए होता है और वो बड़ा स्कैनर जगह भी ज्यादा आपके घर में ले रहा होता है और महंगा भी काफी होता है। तो उसमें मैंने एक ये सोचा कि इसको मैं बाजार से करवा लेता हूं और थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर मैं बाजार से करवा लूं और मुझ जैसे एक दो और लोग भी हों जो बाजार से इन चीजों को करवा लें और फिर जो सामग्री मेरे पास है वो मुझसे ले लें स्कैन और जो उनके पास है वो मुझे दे दें, तो इस तरह से हम एक्सचेंज करके अपना अपना संग्रह भी बढ़ा सकते हैं। और बड़ी कोशिशों के बाद मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो जिनके पास मैगजीन्स बड़े आकार की या अखबार पूरे आकार के कुछ स्कैन थे, उसमें से जो मुझे चाहिए थे मैंने उन्हें ऑफर करा कि भाई मेरे पास ये पत्रिकाएं बड़े आकार की जो हैं मैंने अपने पास करके रखी हुई हैं, आपको अगर इनकी जरूरत हो आप ये ले लीजिए और जो आपके पास हैं वो आप मुझे दे दीजिए। तो ऐसा ही मैंने किया। इसके बाद इसके साथ ही एक बात और ये है कि कुछ पत्रिकाएं यानी कुछ विषय से संबंधित जैसे सिनेमा, जैसे स्पोर्ट्स, अगर बड़े आकार की भी हैं तो कुछ लोगों ने अब ये बिजनेस भी शुरू करा है। वो लोग इसको स्कैन कर लेते हैं, फिर अलग अलग दामों के आधार पर वो इसको इन पत्रिकाओं को बेचते हैं, ऐसा नेट के ऊपर मैंने देखा है। हालांकि मैंने बहुत कम ही इस तरह की पत्रिकाएं ली, कुछ मुझे बड़े साइज के फिल्म फेयर मिल गए थे जिनको एक सज्जन बेच रहे थे तो उनसे मैंने ली हैं, अभी तक मैंने वही बड़े साइज की पत्रिकाएं उनसे खरीदी हैं। अदरवाइज धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान तो मैंने स्कैन ही करवाए हैं। तो एक तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा एक तरीका है कि अगर आपके पास पत्रिकाएं और दस्तावेज बड़े साइज के हैं तो उनको आप इस तरह से कर सकते हैं। जो छोटे साइज के हैं यानी A4 साइज के हैं वो एक स्कैनर आप ले लीजिए, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। यानी एक मैगजीन अगर 70 से 75 पेज की है तो वो आप एक सवा घंटा अगर आप अपना खर्च कर लेते हैं तो उसके अंदर वो हो जाती है। तो इस तरह से ये काम भी किया जा सकता है। बहरहाल मैं कर रहा हूं और जो और लोग भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस काम में दो तरह की लोग मदद कर सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत मदद हो सकती है और दूसरा कुछ संस्था आ सकती है यहाँ के, जैसे लाइब्रेरी हैं या कुछ जो जिन्हें हाई नेट वर्थ इनकम वाले व्यक्ति कहते हैं जिनके पास इतना पैसा है
कि वो इसमें निवेश कर सकते हैं और उनका कला के प्रति रुझान भी है, कुछ सरकारी संस्थाएं भी कर सकती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जिनके पास ये धरोहर रखी हुई है, वो अपनी धरोहर साझा करने में उनको हिचकिचाहट क्यों होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जो संगठन है बहुत से जो मदद कर सकते हैं, जिनके पास वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें उदासीनता क्यों है? देखिए, जहां तक व्यक्तिगत संग्रह का आप बात कर रहे हैं, यानी जो लोगों के पास चीजें होती हैं और उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो दरअसल ये जो भावना है ये हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये हमें विरासत में ये भावना मिली है कि जो तुम्हारे पास है उसे दबा के रखो, चाहे वो मिट्टी में मिल जाए, और पूरा प्रयास करते रहो कि जो दूसरे के पास है वो मिल जाए। तो अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि बहरहाल इस भावना को दूर कैसे करा जाए, या एक कोई आंदोलन टाइप का चलाया जाए, या क्या करा जाए। तो मैंने तो अपने तई ये कोशिश करी है कि लोगों से अनुरोध करा है, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक से हैं, कई लोगों ने मुझे अपनी सामग्री मुझसे बांटी है। कुछ लोगों को लगा कि अब ये सामग्री, यानी वो पत्रिकाएं जो उनके पास थी, अब उनके काम की नहीं रह गई, उससे वो और अधिक लाभ नहीं उठा सकते, तो मैंने पैसों से भी खरीद ली। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जैसे ही आप पैसे को ऑफर करते हैं, तो एक पत्रिका की कीमत उनको खुद ही नहीं अंदाज होता है कि मैं इसके कितने मांग लूं, 1,000, 2,000, 5,000। तो चूंकि उनकी समझ में नहीं आता है कि इसके कितने पैसे मांगे जाएं, वो खामोश हो जाते हैं। अच्छा, हम आपको फिर बताते हैं, और ये कभी भी नहीं तय कर पाते हैं कि इसके कितने पैसे उनको ले। बस एक ये मन में भावना ये रहती है कि यार ये बहुत बेशकीमती चीज है जिसके बारे में ये कह रहे थे, और अगर ये इसके पैसे खर्च आ रहे हैं तो आगे इसका मतलब है ये भी पैसे कमाएंगे। अच्छा, ये गणित उनकी समझ में नहीं आता है कि इससे पैसे कैसे कमाए जाए, या क्या कितने कमाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये होता है कि वो अपनी चीजें आपके साथ शेयर नहीं करते। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने खुद इस बात का अनुभव किया होगा कि दिवाली के आसपास बहुत से घरों से रद्दी निकलती है, उस वो रद्दी जब रद्दी वाले ले जाते हैं, और अलग अलग जरियों से वो जब मार्केट में वो रद्दी आती है, तो वो आप देखते हैं उसमें कि बहुत सी चीजें तो नायाब हैं। अब नायाब चीज थी तो किसी ने क्यों बेच दी? दरअसल उसके पीछे भी गणित ये है कि जिन सज्जन की वो थी, वो जीवन भर उसको छाती से लगाए रहे, किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं करा, ना कहीं उसको डोनेट करा कि किसी और के काम आए, और उनके जो वारिस थे वो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। मान लीजिए वो आईटी से संबंधित उनकी संतान थी, वो मेडिकल साइंस से संबंधित उनकी संस्थान थी जो उन अलग क्षेत्रों में चले गए, तो उनके लिए इन चीजों की कोई वैल्यू है नहीं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए कबाड़ था, और कबाड़ उन्होंने बेच दिया। इस तरह से आप शायद अंदाज ना लगा पाए कि हमारी कितनी ज्यादा ये पत्रिकाओं और क्या कहें, फलों को और उनको पैक करने में वो सारी चीजें काम आ गई। तो दरअसल जब मैं ये देख रहा था, ये मैं महसूस कर रहा था, तब से मैं मेरे अंदर एक बड़ी शिद्दत से एक चीज ये उभरी कि भाई जितना बच गया है, जितना आपको मिल सकता है, कम से कम वो लिया जाए, किसी भी तरह से उनसे मांगा जाए, कुछ पैसे अगर हैं तो वो पैसे उनको ऑफर करे जाएं, और उनको स्कैन करके आप अपने पास रख लें। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि संस्थाएं, तो देखिए संस्थाएं जो हैं वो लोगों से चलती हैं। लोग कौन, जिनके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र कर चुका हूं, इन्हीं लोगों से में से के बीच में से तो लोग होते हैं जो किन्हीं लाइब्रेरियों में काम कर रहे होते हैं, किन्हीं संस्थानों में काम कर रहे होते हैं। तो देखिए इस मुद्दे के ऊपर संवेदनशील होना बहुत जरूरी। दरअसल लाइब्रेरी जो है वो अपने आप में एक ऐसी चीज है कि वहां आप सिर्फ नौकरी करने अगर जाते हैं तो ये लाइब्रेरी का नुकसान होता है।
अगर आप संवेदनशील नहीं हैं पुरानी चीजों के प्रति, पत्रिकाओं, किताबों, साहित्य, इनके प्रति अगर आप संवेदनशील नहीं हैं, तो फिर तो आप किसी भी संस्थान में जाके काम कर लीजिए 10 से 5। और दुर्भाग्य ये है कि जो लाइब्रेरी हैं उसके अंदर, मान लीजिए एक मुख्य लाइब्रेरियन जो होता है, इतने दिनों रहते रहते किताबों और पत्रिकाओं के बीच में संवेदनशील हो भी जाता है अगर पहले से नहीं था, लेकिन उसके नीचे जो स्टाफ काम कर रहा है वो तो ऐसा नहीं है ना। उसके अलावा जो कानून है, यानी एक आदमी आएगा, वो रजिस्टर के ऊपर दस्तखत करेगा, वो आपको कहीं कहीं तो यह है फार्म पे लिख के देगा कि वो क्यों आया है, उसकी मंशा क्या है, फिर उसके बाद उसका प्रवेश होगा, उसको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ये आप देख सकते हैं, वो देख लेता है, फिर वो ये कहता है हमको ये फोटोस्टेट चाहिए। उसमें कुछ कॉपीराइट के मसले होते हैं, तो कुछ का फोटोस्टेट उसको नहीं मिल सकता, कुछ का फोटोस्टेट अगर मिल सकता है तो वो जो फोटोस्टेट करने वाला है तो जाहिर सी बात है उसे अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा खासा बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था अपने साथियों से या अब टेलीफोन के ऊपर जो आजकल व्यस्त रहा जाता है, वो उस तरह से व्यस्त था और उसको कहा गया कि आप ये 10 पन्ने फोटोस्टेट कर दीजिए, कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश करता है। और बहरहाल सरकारी जो मामले होते हैं उनको बेहतर तरीके से लोग जानते हैं। तो वो जो आदमी गया था उसको एक तो समय बहुत देना पड़ा, 10 या 15 अपनी जो पन्ने उसने निकाले थे उसमें उसको काफी समय देना पड़ा। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि वो लाइब्रेरी उसके घर के पास थी, तो यानी उसे अपना एक पूरा दिन स्पेयर करना पड़ा था उस लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए जहां उसने ये करा। और जब वहां उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा होता है तो फिर वो कहता है अरे छोड़ रहे, उसके बाद फिर वो जाना वहां पसंद नहीं करता। लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को अगर आप ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कुछ बहुत ऐसे लोग मिले कि जिनके पास पुरानी पत्रिकाएं थी, पुराने क्या कहते हैं पुस्तकें थी, वो देना चाहते थे तो लोग लेने पर राजी नहीं थे, लोग का मतलब है लाइब्रेरी। उनका ये कहना था कि भाई साहब ये तो हमारे पास ऑलरेडी इतना है ना, स्पेस नहीं है ना, तो अब हम आपसे ले लें, उसको कैटलॉग करें, उसको रखें, रजिस्टर पर दर्ज करें, एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए। तो यानी संक्षेप में ये कहने का मकसद है कि अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो फिर ये संरक्षण का काम नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि इसीलिए सरकारी संस्थाएं भी इस तरह के काम में रुचि नहीं लेती हैं। जिनके पास जो जो है वो उनके पास रखा हुआ है, उन तक एक्सेस है लेकिन थोड़ा मुश्किल से। अब एक नई चीज आई थी कि नेट आया है, लाइब्रेरियां नेट से जोड़ी गई हैं, कि लाइब्रेरियों के पास जो सामग्री है और जो कॉपीराइट से या इस तरह के कानूनों के दायरे में नहीं आती हैं, कम से कम वो सामग्री स्कैन करके डाल दी जाए। बहुत सी लाइब्रेरी ऐसी हैं जिनके अंदर स्कैन हो रहा है लगातार, लेकिन अभी भी वो जो स्कैन सामग्री है वो दिख नहीं पाती है नेट के ऊपर। कुछ प्राइवेट जरूर ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने एक प्रयास करा है और कुछ कुछ चीजें उन लोगों ने डाली हैं, लेकिन हमारे पास जितनी सामग्री है, केशव जी आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि हजारों नहीं कितनी लाख मैगजीन हमारे पास, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, अन्य भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं। हिंदी में कितनी प्रचुर सामग्री है। पहली बात ये इकट्ठा की जाए या जिन जिन लोगों के पास है उनसे संपर्क करके इनको स्कैन करा जाए और फिर डाला जाए, ये बहुत बड़ी मात्रा में ये चीजें हैं। तो ये काम बगैर, यानी इसमें निवेश एक अच्छा खासा हो या सरकारी संस्थान इसके अंदर दिलचस्पी लें तभी हो सकता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा तकलीफ भी होती है, और हिंदी भाषा को लेकर जो जिस तरह से यानी नारे सुने जाते हैं, जिस तरह से अखबारों के अंदर शोर शराबा अखबारों के पृष्ठों पर दिखाई देता है, बहसें जो होती हैं वो दरअसल है नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी कोई एक बड़े ऐसे कुछ लोग नहीं मिल पाए, चाहे लेखक हों चाहे पत्रकार हों, जिनके दिमाग में कम से कम ये हो कि भैया
अब जो लिखा जा रहा है उससे तो असहमति बहुत से लोगों के अंदर है कि अब भाषा ठीक नहीं रही, अब तमाम राजनीतिक दबाव के अंदर लिखा जाता है, सही चीजें आ नहीं रही हैं। तो भैया जो सही चीजें आ चुकी थीं, जिनको संदर्भ के रूप में आपने भी इस्तेमाल करा था, दरअसल उन्हीं को बचा लिया जाए, उन्हीं को संग्रहित कर लिया जाए। लेकिन मुझे हिंदी जगत में सन्नाटा दिखता है इस ओर। तो बहरहाल आदमी को निराशावादी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत आशावान हो जाऊं, ऐसे कारण भी मेरे पास मतलब मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसको सिर्फ आप इस मुद्दे को इसके ऊपर छोड़ सकते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है तो अच्छा ही करेगा। एक आखिरी सवाल, ये उन लोगों की तरफ निर्देशित है जो समझते हैं कि विकिपीडिया और नेट पर ही सब कुछ मौजूद है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने पिछले 25-30 साल में धरोहर जोड़ी जो आपके पास रखी हुई थी कागज के रूप में, उसका जी आपके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा और आपको लिखने में, किताबें लिखने में कितनी आसानी हुई, और उसकी जो क्वालिटी थी या गुणवत्ता थी वो और जो नेट पे उपलब्ध है उसके बीच में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? देखिए, मेरी जो जिन दो किताबों का आपने उल्लेख करा है, पोस्टर बोलते हैं और महात्मा गांधी और सिने संसार, ये दोनों किताबें इन्हीं पत्रिकाओं की देन है। यानी इन दोनों किताब पुस्तकों के विषय मुझे पत्रिकाओं से ही मिले। एक पत्रिका थी फिल्म इंडिया, बंद हो गई, बाबूराव पटेल उसे निकाला करते थे। उस पत्रिका में 1939 में ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लेटर मुझे पढ़ने में आया, जो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम लिखा था, और उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि महात्मा जी, मैंने सुना है आप सिनेमा के बहुत बड़े विरोधी हैं, लेकिन ऐसा क्यों आपकी धारणा बन गई? और फिर उस लेटर में पॉइंट बाई पॉइंट ख्वाजा अहमद अब्बास ने ये लिखा कि आपको सिनेमा को इस तरह से दरकिनार नहीं करना चाहिए, और आखिर में उन्होंने अपील करी कि बापू सिनेमा को अपना आशीर्वाद दे। जब ये लेटर मैंने पढ़ा तब मुझे पहली बार ये पता चला कि महात्मा गांधी सिनेमा से नफरत करते थे। ये पॉइंट, ये बिंदु वहां से मेरे दिमाग में आया कि भाई महात्मा गांधी जैसा तार्किक व्यक्ति सिनेमा जैसे साइंस से, विज्ञान से नफरत करता है, तो उसका कुछ कारण होगा। उन कारणों को जब मैंने तलाशना शुरू करा, वो उनके जवाब धीरे धीरे मुझे मैगजीन्स में ही मिले, पत्रिकाओं में ही मिले। उन्हीं पत्रिकाओं के जरिए जब गांधी वांग्मय तक पहुंचे, तब ये किताब मुकम्मल हो पाई। तो ये किताब पूरी तरह से पुरानी पत्रिकाओं की देन थी। अब जो पहली किताब थी मेरी, पोस्टर बोलते हैं, तो पोस्टरों के बारे में ये धारणा थी कि बनते थे, बड़े सुंदर थे, हमने भी अपने बचपन में देखे थे हाथ के बने हुए बेहद खूबसूरत पोस्टर। लेकिन सवाल ये है कि उन पोस्टरों के हवाले कहाँ से मिले, उन पोस्टरों की जानकारी कहाँ से मिले। हिंदी के अंदर पोस्टर विषय के ऊपर था ही नहीं किताब के नाम पर। मैं ये एक दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद ऐसा सच हो कि वो किताब सिनेमा पोस्टर पर मेरी किताब पहली हिंदी की किताब है जिसमें पोस्टर के इतिहास के बारे में और उसके विकास का, चरणबद्ध विकास का छोटा सा उल्लेख मैं कर पाया। हिंदी में ये सामग्री थी ही नहीं। इवन अंग्रेजी के अंदर भी नेट के ऊपर तो चीजें मिल जाती हैं पोस्टर्स के बारे में, लेकिन भारतीय सिनेमा के पोस्टर्स को लेके बहुत बाद में, अभी ये एक 7-8 साल पहले से सामग्री आना शुरू हुई है, इससे पहले वहां भी नहीं थी। तो ये सारी वहीं से मुझको पत्रिकाओं से ही मिली थी। जो कुछ भी मिल जाएगा आपको, आप को यानी विचार मिलेंगे पत्रिकाओं से, आपको मुद्दे उन पुरानी पत्रिकाओं से मिलेंगे, और आप प्रेरित हो भी सकते हैं खुद भी, आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि मैंने भाई ये पढ़ा है, उस अंक में ये निकला था, इस मुद्दे के ऊपर आप कुछ करिए या आप कुछ करिए, ऐसा किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि एक जो अपील है मेरी अपने जैसे तमाम लोगों से और जो प्रबुद्ध
लोग हैं कि अगर आपके पास हैं कुछ पुरानी चीजें जिनको आप समझते हैं कि ये दूसरों के काम आ सकती हैं, ये संरक्षित होना चाहिए, दो है मैगजीन, तीन है मैगजीन, आप उनको कम से कम स्कैन करके फेसबुक पे या ऐसा कोई संस्था आपको दिख रही हो जहां नेट के ऊपर चीजें वो डालते हैं, उनको आप डोनेट कर दीजिए, करें ताकि कम से कम लोगों को ये चीजें उपलब्ध हो सकें। मेरे पास जो धर्मयुग के अंक हैं उनको मैं धीरे धीरे स्कैन करा के फिर मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया है धर्मयुग नाम से, आप जाएंगे उसको देखेंगे, उसके अंदर 30-35 अंक अब तक मैं डाल चुका हूं। बहुत से लोग उसे देख के अभिभूत हैं और लिखते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उस पेज को बने हुए 4 साल हो गए हैं, आज तक सिर्फ एक सज्जन थे जिन्होंने धर्मयुग के, उनके पास थे कुछ तो उन्होंने 8-10 पन्ने उसके ऊपर डाले थे, 4 साल में इकलौता एक आदमी, इसके अलावा किसी ने कुछ शेयर ही नहीं करा। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मेरे पास पुराने अंक हैं। दरअसल एक तो नेट के ऊपर ये खरीदने और बेचने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसने हर आदमी के दिमाग में ये गलत सहमी भर दी है कि गुरु रखे रहो, एक दिन बहुत पैसा मिलेगा इसका। अच्छा, वो कब मिलेगा, कौन देगा, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन वो उसको दबा के छुपा के अपने पास रखे हुए है कि कभी ना कभी तो इसका लाभ होगा। तो मेरा एक अनुरोध है ये अपने उन तमाम लोग साथियों से और जो इसको सुन रहे हो, अगर कि अगर आपके पास कुछ भी पत्रिकाएं हैं तो आप उन पत्रिकाओं को कृपया स्कैन कर लें और उनको डाल दें ये सोशल साइट्स के ऊपर, ताकि कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो वो उसको देख सके। बहुत बड़ा मतलब आप ये फायदा करेंगे, बहुत बड़ी सेवा करेंगे आप भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की सेवा। ये जो सप्ताह मनाए जाते हैं हिंदी के, ये जो अन्य भाषाएं जो जिनको बताया जाता है कि ये हिंदी की विरोधी है, दुश्मन है, खत्म कर देंगी, इस टेलीविजन ने हिंदी को ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये तमाम बहसें, तमाम शोर शराबा जो है हिंदी को लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। कम से कम इतना कर दीजिए कि जो लोग बचे खुचे लोग हमारे बाद की पीढ़ी के आए और हिंदी के प्रति प्रेम रखते हो, अनुराग रखते हो, उनको कम से कम कुछ चीजें देखने को तो मिल जाए और सहजता से देखने को मिल जाए। आप कहे तो आप भी सकते हैं कि साहित्य अकेडमी की लाइब्रेरी में क्यों नहीं चला जाता है, फलानी लाइब्रेरी में क्यों नहीं चला जाता है। अब उतना आसान नहीं है, दूर दराज क्षेत्रों में बैठा हुआ आदमी दिल्ली साहित्य अकेडमी की या किसी विशेष नेहरू पब्लिक लाइब्रेरी में आए वो वहां से सिर्फ पत्रिकाएं पढ़ने, और जबकि तकनीक ने आपको इतना अवसर उपलब्ध करा दिए हैं कि आप आसानी से ये चीजें कर सकते हैं। तो मेरा एक अनुरोध यही है और मेरा प्रयास यही है केशव जी कि मेरे पास जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जिस तरह से मैंने धर्मयुग का एक पेज बनाया है, मैं और प्रयास कर रहा हूं कि और पत्रिकाओं को, हिंदी की तमाम जितनी भी पत्रिकाएं हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, रविवार दिनमान है, सारंगा स्वर एक मैगजीन आती थी, टाइम्स ग्रुप की बहुत सी मैगजीन थी, बहुत सी मैगजीन क्षेत्रीय थी, जो जो मुझे मिल पाए, मेरे जितनी भी सामर्थ्य है मैं उनको खरीद सकूं और रख सकूं अपने पास, जो भी मिल जाए उनको स्कैन करवा के और मैं डालता रहूं। नहीं होगा तो कम से कम कुछ पत्रिकाएं ही सही, कुछ 100 पत्रिकाएं ही सही बच जाएं लाखों पत्रिकाओं के अंदर। हम ये उम्मीद करेंगे इकबाल जी कि लोग आपकी इस अपील पर ध्यान दें और आगे आए, खुद काम करें, आपकी मदद करें, ताकि जो धरोहर आप कहते हैं वो वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है, वो बची रहे, आगे आने वाली पीढ़ियां कम से कम उन्हें कुछ दिखे तो, और जब दिखेगा तो अपने आप उनको प्रेरणा मिलने लगेगी। आए आपस की बात में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।